अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। और नाज़रीन, कल जो सा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100 दिन 100 वीडियो का टारगेट जो सा है पूरा हो चुका है। मैंने 100 दिन के अंदर अपनी 100 वीडियो अपलोड की थी, तो आप सबकी सपोर्ट की वजह से मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट जो सा है पूरा करने में कामयाब हुआ। ये था मेरा 101 दिन और मैं आज ऑक्शन में आया था। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वीडियो बनाने का, मैं कहा मैं आराम करूंगा, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं ऑक्शन में पहुंचा तो किस्मत देखें, ऑक्शन वाले कहते कि आज ऑक्शन जो है 30 मिनट डिले है, सिस्टम में कुछ खराबी आई है, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया, फिर मैंने सोचा चलो यार फिर एक और रिव्यू बनाने में क्या हर्ज है, इतना टाइम तो बच गया। जो मैं गाड़ी आज आपको दिखाऊंगा वो है हाई जेट ट्रक, 660 सीसी का ट्रक जो है। हाई जेट मैं इसे कह रहा हूँ, जापानीज में हाई जेट कहते हैं, इस वीडियो में मैं हाई जेट बोलूंगा, जापान में हाई जेटो है, आपके मुल्क में हाई जेट बोला जाता है इसे। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, फिर हम इसे देखेंगे पूरी गाड़ी को, और आज वीडियो के एंड पे मैं इसकी जापान की प्राइस भी आपको ऑक्शन की बताऊंगा। तो चलते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं इस कार को। तो ये है नाज़रीन हाई जेट ट्रक, 660 सीसी का देखें आप ट्रक है। तो इसकी बाहर से लुक देखना शुरू करते हैं। इसके टायर जो से हैं छोटे से हैं और ये हैं 12 इंच के देखें। और इसका मॉडल वगैरह ये मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। कुछ गाड़ियों का केबिन जो है यहाँ तक भी होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी सीट जो है थोड़ी सी गिरा सकते हैं। अभी सीट आप मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, ये सीट बिल्कुल नहीं गिर सकती, ये फिक्स है यहाँ पे। तो बैठने में जो है ये इतना कम्फर्टेबल नहीं होता क्योंकि ट्रक है और वो भी 660 सीसी का सिर्फ देखें। तो यहाँ पे इसका सामान वगैरह ये है, इसकी बैक से लुक 350 केजी तक आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, देखें इजीली ओपन हो जाता है। ये हो गया ओपन। तो सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेस्ट है ये ट्रक। आमतौर पे चलाना डिफिकल्ट होता है, ये जो ट्रक है ये ड्राइव होने में भी काफ़ी इजी है क्योंकि छोटा सा है, गाड़ी जितना तो है, तो इसको चलाने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। आप आराम से छोटी गलियों में भी ये ट्रक जो है चला के अपना सामान जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें ये रोप बांधने के लिए, अगर कोई सामान ज़्यादा आप लोड करते हैं तो इसके साथ बांध सकते हैं कोई रोप के साथ इसको। फिर यहाँ पर इसकी बैटरी लगी है देखिए, तो नीचे से भी मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ। तो बहुत ही काम आने वाला ट्रक है ये, इसके मड गार्ड भी लगे हैं यहाँ पे, स्पेयर टायर इसके देखिए नीचे लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम है और ऐसा सामान जो बेशक बारिश में भी गीला हो जाए उसका मसला ना हो, तो वो सामान इसके ऊपर आ सकता है इजली। अब अगर ये एवरी वैगन वगैरह हो, लिमिट होगी उसकी हाइट की, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। जापान में तो यकीनन है आप रोड के ऊपर ड्राइव करेंगे तो लिमिट होती है कि आपने इस गाड़ी के ऊपर इससे ज़्यादा हाइट पे सामान नहीं रखना, लेकिन अगर पाकिस्तान वगैरह हो तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आप सामान इसके ऊपर अगर काफ़ी हाइट में सामान रखना चाहें, जैसा कोई चीज़ हो जो इतनी वज़न की ना हो लेकिन उसकी हाइट बहुत हो, तो वो भी इस गाड़ी के ऊपर आराम से शिफ्ट हो सकती है। तो ये है फ़ायदा इसका। तो नाज़रीन अब देखते हैं इस कार को अंदर से। तो ये कार आप देख सकते हैं बहुत सिंपल बनाई हुई है क्योंकि काम में आने वाली कार है, अगर इसमें बहुत सारे फंक्शन हो तो ख़राबी भी हो सकती है। तो कार जो है बहुत सिंपल बनाई हुई है देखिए आप। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑक्शन शीट दिखाता हूँ जो जापान में ये आज इसकी ऑक्शन में है। ये है नाज़रीन हाई जेट ट्रक एक्स्ट्रा SA3T 4WD 2021 मार्च का ये मॉडल है। चली जो सी है सिर्फ 9 किलोमीटर, यानी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, 0 किलोमीटर के करीब है
ऑक्शन में से एस ग्रेड मिला है, ए ए, यानी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इस पर कोई देखें स्क्रैच वगैरह डेंट नहीं है। 660 cc की है, पेट्रोल में है और S510P इसका चेसिस है। इसमें दो सीट हैं तो दो लोग बैठ सकते हैं। फिर इसमें ऑटो लाइट और कीलेस का सिस्टम, बैक सेंसर वगैरह, LED हेडलैम्प, फॉग लैम्प, इस तरह के इसमें बहुत सारे सेल्स पॉइंट भी हैं। तो ये है नाज़रीन इसका स्टेयरिंग, जो कि देखें दाई हाथ का एम्बलम यहाँ पे बड़ा सा बना हुआ है। और इसका मीटर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। फिर इसका नेविगेशन यहाँ पे नहीं लगा हुआ। और एसी आप देख सकते हैं ये चकोर बने हुए हैं, एसी कंट्रोल जहाँ से करते हैं। फिर यहाँ पे एक सॉकेट है, फोर व्हील ड्राइव का बटन और पार्किंग वगैरह के सेंसर के लिए बटन बने हुए हैं। फिर यहाँ पे सामान रखने के लिए, ड्रिंक्स रखने के लिए दो जगह हैं। फिर पीछे आप सामान रख सकते हैं, ये है इसकी शिफ्ट। फिर ये है इसकी हैंड ब्रेक। और सीट जैसा कि मैं बताई थी, देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ से आप पीछे नहीं गिरा सकते, तो बैठना आपको इसी तरह स्ट्रेट पड़ेगा। विंडो के स्विच जो से हैं ऑटोमेटिक आ चुके हैं क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है। फिर कुछ यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं और यहाँ पे भी कुछ सामान की जगह है। और ये देखें 3 kg तक आप इसके ऊपर कोई सामान लटका सकते हैं, शॉपर वगैरह। फिर यहाँ पे भी कुछ सामान रखने की जगह है। ज़्यादातर जो है ये ट्रांसपोर्ट को मेन नज़र में रखते हुए ये कार बनाई हुई है। फिर यहाँ पे भी ड्रिंक की जगह है। अच्छा, इसके जो डोर मिरर हैं वो ऑटोमेटिक नहीं हैं, तो आपको हाथ से यूँ इसको इसकी पोजीशन जो है कंट्रोल करनी पड़नी है। फिर यहाँ पे बटन है जिससे ये लाइट ऑन हो जाती है, तो अगर आपने सामान लोड अनलोड करना है रात के वक्त में भी, तो यहाँ पे लाइट मौजूद है, तो इस लाइट का आप इस्तेमाल करके रात में भी अपना काम कर सकते हैं। फिर नाज़रीन इसका इंजन जो सा है वो इसके नीचे है। अभी मेरे पास बोल्ट, मैं ओपन नहीं कर सकता इसको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नाज़रीन अब चलते हैं ऑक्शन की तरफ, और आज की मैं ऑक्शन की प्राइस बताता हूँ कि जापान में कितने की सेल होगी। चलें फिर ऑक्शन की तरफ। तो नाज़रीन आज के ऑक्शन में तो कार ये सेलर ने सेल नहीं की, लेकिन इसकी जो मार्केट प्राइस है जो कि मैं चेक की है वो है जापान में 1.2 मिलियन येन। ये टोटल कॉस्ट है, तो जापान में ये कार आपको तकरीबन 1.2 मिलियन येन की पड़ेगी। तो अब मैंने इसे US डॉलर में, पाकिस्तान रुपी में और इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये कार आपके मुल्क की करेंसी में कितने की है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इंशाल्लाह आप तक और अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ पहुँचाता रहूँगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।